ममता प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक आदि तीर्थंकर ऋषभदेव में लिखा है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में आदम, सूर्य देव, अपोलो, क्यूरोज, रैशिफ, बुलगौर आदि विभिन्न रूपों में भगवान आदिनाथ ही पूजे जाते हैं। ऋषभदेव का चिन्ह बैल है, शिव का संबंध भी बैल से है। बहुत से इतिहासकारों का यह मानना है कि ऋषभदेव जब पृथ्वी पर प्रथम राजा बने तब वे विष्णु के रूप में पूजे गए। जब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने समोसरण में चारों दिशाओं में धर्म उपदेश दिए तब उनका यह रूप ब्रह्मा कहलाया। प्रथम तपस्वी बनकर वे जब मोक्ष को प्राप्त होकर विश्व के लिए कल्याणकारी बने तब उनका यह निराकार स्वरूप शिव कहलाया। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बैल के मुख के आकार की मोहर ऋषभदेव की ही है। सिंधु घाटी सभ्यता और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में बैल चिन्ह पूजनीय है। इजिप्ट की सभ्यता में यह माना जाता है कि मानवता की उत्पत्ति एक बैल से हुई। हिस्ट्री चैनल पर धारावाहिक एनिशियंट एलियंस में भी इस विषय को दिखलाया गया है। Historians suggest Apis was the very first god to be worshipped in Egypt. He was considered to be the creator of humanity. Animals were so important in ancient Egypt that one of the creation myths, bull. The bull that comes out of nowhere, the bull that comes out of the sky, that appears in the middle of the endless ocean, that bull is the father of all humanity. ईसाई धर्म की बाइबल में और इस्लाम मजहब की कुरान में सूरह मईदा में मिलने वाले पहले प्रोफेट आदिम बाबा एडम के दोनों पुत्र काबिल केन और हबीर एबल की कहानी तीर्थंकर आदिनाथ के दोनों पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली की कहानी से बहुत कुछ मिलती है। तिब्बती पुस्तक गंगकारे तेयशी सफेद कैलाश में पहले तीर्थंकर आदिनाथ को ख्यूचोक ऋषिनाथ माना गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार बौद्ध धर्म में तीर्थंकर आदिनाथ को ही प्रथम बुद्ध आदि बुद्धा माना गया है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ही नागबुद्धा के रूप में पूजा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान में लिखा है कि यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र के देवता आडिन मूलत जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ हैं और चीन के फो नामक देवता मूलतः जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ हैं। सभी इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का सर्वप्राचीन इक्ष्वाकु वंश ऋषभदेव से ही शुरू हुआ था। The Ikshvakus were the descendants of the sun, the solar dynasty या सूर्य वंश। इस राजवंश के फाउंडर का नाम इक्ष्वाकु था। लोग इन्हें ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। वही ऋषभदेव जो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे। जैन धर्म के प्राचीन आगम शास्त्रों के अनुसार तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा इंद्र से इक्षु यानी की गन्ना ग्रहण करने की घटना पर ऋषभदेव का कुल इक्ष्वाकु वंश कहलाया गया। अथर्ववेद में लिखा है इक्ष्वाकु वेद पूर्व है। इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति ऋषभदेव से ही हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि श्री ऋषभदेव वेदों से भी पूर्व के थे। इसी इक्ष्वाकु वंश में प्रथम तीर्थंकर के अलावा जैन धर्म के अन्य तीर्थंकर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, श्रेयांसनाथ और अनंतनाथ भी जन्मे थे। फिर श्री राम का जन्म भी इसी इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैन धर्म के 24 में 18 तीर्थंकर अवतरित हुए थे। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्म स्थिति है। महात्मा गांधी जैन धर्म से बहुत प्रेरित थे। आइए आज जैनिज्म से जुड़ी कहानियों के बारे में बात करें। अभी जैन धर्म आदि काल से है। अच्छा। ये धर्मों को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन मीन्स टाइमलेस, हमेशा जो रहता है। अच्छा। एक सनातन का पेड़ है, एक ब्रांच उसका हिंदुइज्म है। अच्छा। एक ब्रांच उसका जैनिज्म है। अगर आप सिंधु घाटी में जाए तो वहाँ पे हमें जो सील्स मिलते हैं वहाँ पे ऐसे मार्क्स है जैसे हाथी का, बुल का, ऋषभ का, और ये सब जैन धर्म में ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्बल्स है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में शायद जैन धर्म के बारे में ज्ञान था।